हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 के इंग्लिश बुक हनीकम का चैप्टर 10 का द स्टोरी ऑफ क्रिकेट का हिंदी समरी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हिंदी समरी की ओर रुख लेते हैं। द स्टोरी ऑफ क्रिकेट यानी कि क्रिकेट का इतिहास। क्रिकेट उन खेलों में से एक है जो बैट तथा एक गेंद से पिछले 500 सालों से इंग्लैंड में खेला जा रहा है। यह एक अनोखे खेल के तौर पर इसका उदय 17वीं शताब्दी यानी कि 17th सेंचुरी में हुआ था। शुरुआत में 18वीं शताब्दी के मध्य में बैट हॉकी की स्टिक की तरह आगे की ओर मुड़ा हुआ होता था। टेस्ट मैच, जो कि क्रिकेट के खेल का एक रूप है, एक ऐसा खेल है जो 5 दिनों तक चलता रहता है और तब भी बराबरी पर पसीना छूट जाता है। क्रिकेट के खेल का रोमांच पहलू यह भी है कि इसकी जो पिच की लंबाई होती है ये टोटल 22 गज होती है, लेकिन जो खेल का मैदान होता है इसका जो आकार होता है ये अनिश्चित होता है, यानी कि वो उसे अपने अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। अंडाकार तथा वृत्ताकार यानी कि ओवल और सर्कुलर फॉर्म दोनों तरह के खेल के मैदान मौजूद होते हैं। 1744 ईस्वी के आसपास पहली बार क्रिकेट के नियम जो हैं उसे लिखे गए थे। इस नियम में अंपायर को सभी विवादों को सुलझाने का अधिकार दिया गया था, यानी कि जो अंपायर होते हैं वो सर्वे सर्वा होते हैं। उनका जो नियम होता है, कानून होता है तथा उनका जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। नियम में जो विकेट होती है उसकी ऊंचाई 22 इंच तथा उसके ऊपर रखे जाने वाले जो बेल्स होते हैं उसकी जो लंबाई है 6 इंच रखने को कहा गया। गेंद का भार 5 या 6 औंस तथा जो पिच की लंबाई है उसे 22 गज प्रस्तावित की गई थी। 1760 ईस्वी में हैम्बलडेन में पहला क्रिकेट क्लब अस्तित्व में आया था। पग बाधा का पहला नियम 1744 ईस्वी में छपा था तथा लगभग इसी समय तीसरा विकेट शब्द का जो प्रचलन है उसी समय उदय हुआ था। 1780 ईस्वी में 3 दिवसीय मैच होते थे तथा उसी समय पहली बार 6 जोड़ों वाली गेंद चलन में आई थी। क्रिकेट में जुड़े ज़्यादातर जो उपकरण हैं आज भी हाथ से ही बने हुए होते हैं। वे या तो प्राकृतिक या फिर उद्योग पूर्व की चीज़ों से बने हुए होते हैं। जो बल्ले होते हैं वो हाथ से बने होते हैं, जिनमें कॉर्क, चमड़ा तथा ट्वाइन का यूज किया जाता है। जो रक्षात्मक उपकरण होते हैं जिसे सेफ्टी के लिए पहना जाता है, जैसे पैड हुआ, दस्ताने हुए, जो हेलमेट हुए, ये भी जो रबड़ होते हैं मानव निर्मित जो रबड़ होते हैं उसी के द्वारा बनाए जाते हैं। भारत में जो क्रिकेट है पहली बार मुंबई में खेला गया था। जीरोस्ट्रियन तथा पारसी समुदाय के बीच 1848 में मुंबई में प्रथम जो भारतीय क्रिकेट क्लब द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी। मुंबई जिम खाना को लेकर जब पारसी तथा गोरे लोगों के बीच लड़ाई हुई थी तो पारसी लोगों ने अपनी निजी जिम खाना खोल लिया था। 1889 यानी कि 1889 ईस्वी में बॉम्बे जिम खाना की टीम को पारसी लोगों ने हरा दिया था। आधुनिक क्रिकेट में टेस्ट तथा एक दिवसीय मैचों का दबदबा है। कुछ महान क्रिकेटरों जिन्हें हम बड़े चाव से याद रखते हैं वही हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला है। सीके नायडू ऐसे ही एक महान खिलाड़ी थे। वे भारत के टेस्ट मैच जो टेस्ट क्रिकेट के प्रथम कप्तान भी थे। अपने देश की आज़ादी से कई साल पहले वर्ष 1982 में भारत एक टेस्ट खेलने वाला देश बना था। पहले टेस्ट मैच ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न उपनिवेशकों के बीच यानी कि जो कॉलोनियल होते थे उसके बीच ही खेले जाते थे, न कि स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच। स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच पहला टेस्ट इंग्लैंड वो ऑस्ट्रेलिया यानी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। सबसे पहला जो मैच था टेस्ट वो इंग्लैंड वो ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। टेलीविज़न प्रसारण ने क्रिकेट को प्रत्येक घर तक ला दिया। उससे पहले लोग क्रिकेट से उतनी तरह से उतनी बेहतर तरीके से वाकिफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह से जब टेलीविज़न ने न्यू रखा तो उसने जो क्रिकेट था इसे सभी के घरों तक पहुँचा दिया। सेटेलाइट टेलीविज़न की मदद से पूरी दुनिया में कहीं भी हो रही क्रिकेट मैच का हम आनंद ले सकते हैं। भारत
दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का बाजार है और इस खेल के सबसे ज़्यादा दर्शक भी यहीं से हैं। 150 साल पहले हमारे पारसी पूर्वज इस खेल को खेलने में बहुत ही संघर्ष किया करते थे, पर आज भारतीय क्रिकेटर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा धन भी कमाते हैं और दुनिया भर में सबसे अधिक ये लोग मशहूर भी हैं। तो फ्रेंड्स, यह था इस चैप्टर का एक छोटा सा हिंदी समरी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हंसते रहिए तथा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।